कुछ समय पहले की बात है, दूर एक जंगल के पास एक गांव बसा हुआ था। जंगल में छोटे मोटे जानवर थे, पर कोई ऐसा जानवर नहीं था जो इंसानों को खाता हो। तो वहां के गांव वालों को जानवरों से कोई खतरा नहीं था। वो गांव बड़ा खुशहाल था। गांव में एक नदी बहती थी। एक दिन उस गांव में एक डायन आती है। दिखने में इंसानों की तरह ही होती है, पर वो डायन हर एक जानवर को और इंसानों को पका कर खा जाती है। अरे वाह, क्या महक आ रही है! कितने नौजवान हट्टे कट्टे शरीर वाले लोग रहते हैं यहाँ। पिछले गांव में तो मैं सबको खा गई, लेकिन अब यहाँ लगता है खाने को और अच्छा भोजन मिल जाएगा। ये सोचकर वो डायन उसी गांव के पास वाले जंगल की एक गुफा में रुक जाती है। पहले कुछ दिन डायन ने वहां के जंगल के जानवरों को पकड़ा और उसे खाया। डायन ने ऐसे ही कुछ दिन बिता दिए। फिर डायन जानवरों को खा खा के बोर होने लगी। अब मैं जानवर खा खा के बोर हो गई हूँ। मुझे अब इंसान का मांस चाहिए। मुझे इंसान खाने की बहुत इच्छा हो रही है। मैं अब गांव में जाके कुछ बच्चों को पकड़ लाती हूँ। बच्चे आसान शिकार होते हैं। मैं बच्चों को पकड़ के यहाँ बांध के रखूंगी और फिर जब भूख लगेगी उनमें से एक एक को पका कर खा जाऊंगी। ये सोचकर डायन जंगल से निकलकर गांव की ओर बढ़ने लगती है। जैसे ही डायन गांव में पहुंची, उसे कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई दिए। वो बहुत खुश हो गई। अरे वाह, मुझे कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैं इनमें से एक बच्चा लेके जाती हूँ और उसे पहले गुफा में जाके बांध के आती हूँ, फिर दूसरे को लेने आऊंगी। हाँ। वहाँ बच्चे लुका छुपी खेल रहे थे। उनमें से एक छोटा सा बच्चा डायन के पास वाले पेड़ के पीछे छुप गया। डायन ने पास में पड़ा हुआ आम उठाया और उसे दिखा के बोली, अरे नन्हे राजा, आम खाओगे? बच्चा अपने खेल में बहुत व्यस्त था, तो उसने सर हिलाकर मना कर दिया। डायन ने वो आम खाया और बोली, इतना मीठा आम, इतना मीठा आम तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाया होगा। वो बच्चे के मन में लालच आ गई। उसे वो आम खाना था, पर उसे अपना खेल भी नहीं छोड़ना था। देखो, मुझे ये आम तो चाहिए, पर मैं अगर यहाँ से बाहर निकला तो मैं पकड़ा जाऊंगा। अरे छोटे महाराज, आप क्यों परेशान होते हैं? मैं वहाँ आ जाती हूँ। ऐसा कहकर डायन बच्चे के नजदीक गई और उसे आम दिया। बच्चे ने आम खाना शुरू ही किया था कि डायन ने उसे बोरी में भर दिया और वहाँ से निकल गई। गुफा में आके उसने बच्चे को बांध दिया, उसका मुंह भी बांध दिया ताकि वो चिल्ला ना पाए। अरे वाह, ये तो बहुत ही आसान है। अब मैं बाकी के बच्चों को भी ऐसे ही लेके आती हूँ। इन बच्चों से मेरा एक महीना तो आराम से भोजन चल जाएगा। डायन अब एक एक करके कई बच्चों को उठा के आती है और सबको बांध देती है। गांव में सबको पता चल जाता है कि गांव में से बच्चे गायब हो रहे हैं। गांव में डर फैल जाता है। सब लोग अपने बच्चों का ख्याल रखने लगे थे। कोई भी अपने बच्चे को अकेले खेलने नहीं भेज रहा। और इस तरफ डायन ने सोचा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, अरे ये तो आठ ही बच्चे हुए। अब मुझे दो बच्चे और चाहिए, फिर मैं एक महीना कुछ काम नहीं करूंगी। आराम से इस गुफा में बच्चे खाते हुए बिताऊंगी। हाँ। यहाँ गांव में सरपंच ने सभा बुलाई। गांव के सब लोग उस सभा में आते हैं। सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी,
सरपंच जी, हमारे बच्चे गायब हो रहे हैं, हमें कुछ तो करना चाहिए, नहीं तो ऐसे गांव में एक भी बच्चा बचेगा नहीं। जय श्री कृष्णा, ये बात तो सच ही है ना, मैं तो अपने बच्चे को बाहर नहीं भेजाने दूंगा। हाँ भैया, सच बोल रहा हूँ। हाँ, बात तो सोचने वाली है, समझ नहीं आ रहा है कि बच्चे उठा के कौन ले जाता है। दूसरे दिन डायन जब गांव में आती है बच्चों को उठाने के लिए, कोई भी बच्चा उसे दिखता नहीं है। गांव का हर एक बच्चा किसी बड़े के साथ घूम रहा था। फिर उसे एक गरीब बच्चा दिखता है जो दुबला पतला कहीं अकेले बैठा हुआ था। डायन उसे उठाकर लेके जाती है। उसे उठाते हुए बनिए ने डायन को देख लिया। वो उसके पीछे पीछे छिप कर जाता है जिससे डायन को पता ना चले, और इस तरह उसने डायन की गुफा देखी और अपनी समझदारी का प्रयोग करते हुए वो गांव में सब लोगों को बताने वापस आ गया। उसने गांव के लोगों को बताया, सब लोगों ने हाथ में मशालें ले ली और डायन को ढूंढने जंगल में जा पहुंचे। वो लोग गुफा तक पहुंच गए पर उन्हें कहीं भी डायन दिखी नहीं। मुझे क्या लगता है ना, डायन यहाँ है ही नहीं। सच बोल रहा हूँ, यही अच्छा मौका है, हम अंदर आते हैं। अंदर चलो, अंदर चलो। ए मोटा भाई, संभाल के ना, बच्चों को लेकर आते हैं समझे क्या? पर सब लोग एक साथ रहना, हाँ, कोई अलग नहीं। ए चाचा, संभाल के ना, चलो 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 चलो। सब लोग एक साथ गुफा में घुसे तो सबने देखा कि डायन गुफा में सो रहे हैं। सबने मिल के डायन को पकड़ा और उसे बाहर पेड़ से बांध दिया और सब बच्चों को छुड़ा लिया। मुझे छोड़ दो, छोड़ दे, छोड़ दो मुझे। नहीं 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 बाबा, रे बाबा, कैसे छोड़ दे है? ताकि तुम हमारे बच्चों को खा जाओ है? अरे मैंने एक भी बच्चा नहीं खाया है, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, छोड़ दो मुझे। तुम यहाँ नहीं खाओगी तो कहीं और पर किसी ना किसी को तो खाओगी। हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते, आग लगा दो पेड़ को। हाँ हाँ, आग लगा दो, आग लगा दो। डायन जलकर भस्म हो गई, रह गई तो सिर्फ उसकी राख। तो इस तरह बनिए की सूझबूझ ने सब बच्चों की जान बचाई। एक छोटे से शहर की बात है, वहाँ के मेयर एक विशाल घर में रहते थे लेकिन उनका कोई परिवार नहीं था। वे अकेले ही उस बड़े घर में रहते थे। वे अक्सर अपने घर में बड़ी बड़ी पार्टियों का आयोजन करते थे। उनकी दी हुई पार्टियों में शहर से बड़े बड़े लोग आते थे, कोई भी उनका आमंत्रण ठुकराता नहीं था। इस वजह से मेयर खुश रहते थे। उन्हें लगता था कि उनकी पार्टी में आए हुए लोग उनकी बहुत कद्र करते हैं, वो उनके अपने लोग हैं और जरूरत पड़ने पर वो उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। लेकिन उनके काउंसलर मिस्टर ब्रिक्स का मानना कुछ और ही था। हे मिस्टर ब्रिक्स, देखिए देखिए, ये सब लोग हमारी कितनी इज्जत करते हैं, सभी मेरे आमंत्रण पर पार्टी में शामिल हुए, ये सब लोग यहाँ हर बार आते हैं मेरे लिए। आप गलत सोचते हैं मेयर साहब, ये लोग यहाँ आपके लिए नहीं बल्कि सिर्फ पार्टी का मजा लेने आते हैं। मैं जानता हूँ इन सब के जाते ही आप कितना अकेला महसूस करते हैं। वैसे भी आजकल का जमाना अच्छा नहीं है मेयर साहब, आजकल तो अपने अपनों की मदद नहीं करते, ये लोग तो फिर पराए हैं। राजा महेंद्र सिंह के जमाने की बात अलग थी, उस समय इंसान एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था, आज की तरह नहीं। ऐसा नहीं है मिस्टर ब्रिक्स, कैसी बातें कर रहे हैं आप, समय के साथ जमाने को बदलना जरूरी है। राजा साहब के जमाने में आज की तरह की आधुनिकता और विकास नहीं था, मेरे ख्याल से तो आज का जमाना कहीं बेहतर है। इस तरह की चर्चा अक्सर उनके बीच होती रहती थी, लेकिन मिस्टर ब्रिक्स की एक बात जो सही थी और मेयर भी मानते थे वो ये है कि इतने बड़े घर में वो अकेले ही रहते थे, उन्हें अक्सर उनका अकेलापन काटने को दौड़ता था। पार्टी के दौरान भी कुछ ऐसी ही बहस चल रही थी कि दोनों के बीच एक बैरा उनके पास आया। मेयर साहब, आज की पार्टी में मेहमान कुछ ज्यादा ही हैं। हमारे पास सारे बर्तन खत्म हो चुके हैं, गिलास की भी कमी हो रही है। अरे तो यहाँ क्या कर रहा है मेरे पास? जाओ नीचे, जाओ नीचे तलघर से बने कमरे से और बर्तन निकाल लाओ, जल्दी करो, मेहमानों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, समझे तुम? जाओ। जी हुजूर, वहाँ की चाबी आपके पास है, मैं आपसे चाबी लेने आया था। ऐसा है, ये लो चाबी, जाओ जल्दी जाओ। ठीक है। मेयर के घर के तलघर का वो हिस्सा बहुत अंधेरे में था,
वहाँ कोई जाता नहीं था। उस कमरे में गैर जरूरी सामान ही रखा जाता था, किसी को वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन उस दिन उस कमरे में कोई और भी था। वहाँ थी दो जुड़वा परियां। एक परी का नाम था सोनाली और दूसरी का नाम था मोनाली। उनमें से सोनाली बहुत शरारती थी और मोनाली थोड़ी समझदार। हालांकि मस्ती करना उसे भी पसंद था, लेकिन वो आसपास के लोगों का ध्यान रखती थी। सोनाली को मस्ती में कुछ ध्यान ही नहीं रहता था। वो भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी, लेकिन कई बार उससे ज्यादा मस्ती हो जाने से लोगों को थोड़ी तकलीफ हो जाती थी। उस दिन वो दोनों परियां वहां आपस में खेल रही थी। मुझे कुछ नई मस्ती सूझ रही है, मेरे पास एक नया उपाय है। मस्ती? लेकिन पहले ये बताओ, इसमें किसी को कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? अरे नहीं नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि हम लोगों की मदद करेंगे। अच्छा अच्छा, तो ये बताओ तुम्हारा क्या विचार है? हम अपने आप को जूतों में बदल लेंगे। हाँ, जो भी उन जूतों को पहनेगा और उन्हें पहनकर जो भी इच्छा करेगा उसकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। सुझाव तो अच्छा है, लेकिन इसमें एक जोखिम है। इंसान अक्सर बेसुद होकर कुछ भी मांग बैठते हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता कि उन्हें क्या चाहिए। अरे अरे, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो देखो, कोई अंदर आ रहा है, जल्दी करो। तुरंत वो दोनों परियां बदल गईं जूतों के जोड़े। आरामदायक और गर्मी देने वाले वो रबर के जूते टेबल पर आकर बैठ गए। मेयर का बैरा अंदर आया और उसने जरूरत का सामान लिया। उसकी नजर उन जूतों पर पड़ी। अरे इतने आरामदायक जूते हैं, मैं इन्हें यहाँ से अपने लिए ले चलता हूँ, मेयर को कुछ पता भी नहीं चलेगा। वैसे भी ये जूते यहाँ पड़े पड़े सड़ रहे हैं ना। जूते लेकर वो बाहर आ गया। उसने जूते बाकी मेहमानों के जूतों के साथ रख दिए। पार्टी खत्म हुई और सभी लोग वहाँ से जाने लगे। सबसे आखिर में मिस्टर ब्रिग्स वहाँ से गए। उन्होंने गलती से अपने जूते छोड़कर वो जादुई जूते पहन लिए। वो जूते पहनकर वो बाहर निकले और अपने घर की तरफ चलने लगे। रास्ते में उनका पैर कीचड़ पे पड़ गया। वो प्रशासन को कोसने लगे। आगे बढ़े तो दोबारा उनका पैर कीचड़ में पड़ गया। ओहो, ये क्या है, जगह जगह गड्ढे। आज का प्रशासन किसी काम का नहीं है। काश मैं किसी तरह राजा महेंद्र सिंह के जमाने में पहुंच जाऊं। उनके ऐसा बोलते ही जादुई जूते का जादू लगा। मिस्टर ब्रिग्स पुराने जमाने में पहुंच गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उन्हें लगा कि वो रास्ता भटक गए हैं। तभी वहां से एक सैनिक घोड़े पे सवार निकला। मिस्टर ब्रिग्स घोड़े से टकराने ही वाले थे कि वो सैनिक वहां रुक गया। अरे तुम इस तरह बीच रास्ते में क्यों चले आ रहे हो, और ये कैसे कपड़े पहने हुए तुमने? देखो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आया, तुम ही बीच सड़क पर घोड़ा चला रहे हो, और ये पोशाक पहनकर किसी पार्टी में जा रहे हो क्या? ये कोई मुखौटा पार्टी है क्या? तभी वहाँ से कुछ और घुड़सवार निकले और वहाँ रुक गए। ओह, तुम सब उस मुखौटा पार्टी में जा रहे हो ना? मुझे आमंत्रण कैसे नहीं मिला? कोई बात नहीं, मैं वैसे भी बहुत थका हुआ हूँ। मुखौटा क्या? तुम्हारे अस्त्र शस्त्र कहाँ हैं? युद्ध के समय तुम इस तरह नहीं घूम सकते, और युद्ध लड़ने के लिए किसी को आमंत्रण की जरूरत नहीं। हमें अपने देश को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करनी चाहिए। विजय हमारी होगी। विजय हमारी होगी। चलो इसे अस्त्र शस्त्र पहना दें। हमारे पास इतना समय नहीं है, इसे बस एक तलवार और ढाल दो और ले चलो। तुम अपनी भूमिका को बहुत अच्छे से निभा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ आना नहीं चाहता। उन्होंने बिना उसकी बात सुने उसे एक घुड़सवार के घोड़े पर बैठा दिया और युद्ध भूमि में ले गए। वहाँ सच में युद्ध होता देख मिस्टर ब्रिग्स को लगा कि शायद वो सचमुच राजा महेंद्र सिंह के जमाने में आ गए। युद्ध शुरू हो गया और मिस्टर ब्रिग्स का बुरा हाल हो गया। वो बेहोश हो गए। दुश्मन देश के सैनिकों ने उन्हें काल कोठरी में डालने का निश्चय किया। मिस्टर ब्रिग्स अपनी जान की भीख मांगने लगे। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। सैनिक उनके पैर पकड़कर उन्हें खींचने लगे तो उनके जूते उनके पैरों से निकल गए। जूते निकलते ही मिस्टर ब्रिग्स वापस अपनी दुनिया में पहुंच गए। अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मिस्टर ब्रिग्स को लगा जैसे वो किसी सपने से उठे। उन्हें बहुत अजीब लगा कि वो बीच रास्ते में ही कैसे सो गए। लेकिन उन्हें ये एहसास हुआ कि आज का समय राजा के समय से बहुत अच्छा है। इस जमाने में कोई युद्ध नहीं है और वो सुरक्षित अपने परिवार के पास जा सकते हैं।
मैं भी क्या क्या सोचता रहता हूँ। चलो अब घर वापस जाना चाहिए। मिस्टर ब्रिग्स अपने घर चले गए और वो जादुई जूते वहीं पे रह गए। कुछ देर में घर का सारा काम करके वो बैरा बाहर आया और उसने दरवाजे पे देखा कि कचरे का थैला पड़ा हुआ है। उसने वो थैला उठाया और थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे वो जूते दिखाई पड़े। अरे ये जूते यहाँ हैं, मैंने तो इन्हें अंदर रखा था। कोई बात नहीं, मैं इन्हें पहन लेता हूँ। मेरे पैर बहुत ठंडे हो रहे हैं। उसने वो जूते पहने और चलने लगा। अचानक वो एक पत्थर से टकराया और कचरे का थैला किसी और के घर के बरामदे में जा गिरा। बैरा उस थैले को निकालने के लिए कोशिश करने लगा लेकिन वो थैला दूर गिर गया था। अचानक उसने बोला, काश मैं थैले तक पहुंच जाऊं, किसी ने देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी है। उसके ऐसा बोलते ही उसका आधा शरीर दरवाजे पे लगी लोहे के ग्रिल के अंदर आ गया और आधा बाहर रह गया। उसका हाथ कचरे के थैले तक पहुंच गया लेकिन उसका शरीर फंस गया था। उसने फिर मन में सोचा कि काश वो थैला वहाँ होता ही नहीं और थैला वहाँ से गायब हो गया। बैरा डर गया, उसे लगा कि थैले में भूत है। जादुई जूतों ने आपस में बात करना शुरू कर दिया। देखा सोनाली, हमारी वजह से ये इंसान मुसीबत में फंस गया है, अब हम क्या करें? जब तक ये कोई अकलमंद वाली इच्छा नहीं मांगेगा तब तक ये मुसीबत से नहीं निकल सकता। हमें जल्दी ही खुद को गायब करना होगा इससे पहले कि कोई और मुसीबत में फंसे। हाँ हाँ, लेकिन हम किसी और के सामने खुद को गायब नहीं कर सकते मोनाली। तभी बैरे ने बोला, काश मैंने ये थैला उठाया ही नहीं होता। ये बोलते ही वो वापस उस जगह पे पहुंच गया जहाँ थैला था। उसके पाँव से जूते भी निकल गए। वो थैला वहाँ छोड़कर चिल्लाते हुए वहाँ से भाग खड़ा हुआ। सोनाली और मोनाली एक दूसरे की तरफ देखकर मन ही मन हंसने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ का चौकीदार वहाँ आ गया। वो इधर उधर देखने लगा कि कौन चिल्लाया था। उफ, मेरी जरा सी आँख क्या लगी, यहाँ तुरंत कुछ गड़बड़ हो गई। पता नहीं कौन चिल्लाया और क्या हुआ है यहाँ, मुझे तो सब ठीक ही लग रहा है। अरे लेकिन ये जूते किसके हैं? जरूर जल्दी में कोई इन्हें यहाँ छोड़ गया है, मैं इन्हें पहन लेता हूँ। अरे वाह, ये कितने आरामदायक और गर्म हैं। चौकीदार वो जूते पहन के वहाँ से चला गया। वो पेड़ के नीचे बैठकर मेयर को खिड़की से देखने लगा और अपने ख्यालों में खो गया। वो मन ही मन सोचने लगा, अरे वाह, मेयर साहब की जिंदगी कितनी बढ़िया है, उन्हें मेरी तरह सर्दियों में सारी रात इस तरह बैठना नहीं पड़ता। उनका बड़ा घर, नौकर चाकर, सारा आराम। कितना अच्छा होता अगर मैं भी मेयर की तरह अमीर होता। काश मैं उनसे अपनी जगह बदल सकता। बस फिर क्या था, सोनाली और मोनाली का जादू चल गया। चौकीदार मेयर बन गया और मेयर बन गए चौकीदार। चौकीदार अपने आप को मेयर के रूप में देखकर बहुत खुश हुआ। उसे वो सारा ऐशो आराम बहुत पसंद आया। कुछ दिन उसने बहुत मजे से निकाले लेकिन 3-4 दिन में ही वो उस ऐशो आराम से उब गया। उसे उसके परिवार के पास जाना था लेकिन मेयर की जिंदगी में तो कोई नहीं था। उसने खिड़की में से मेयर को देखा जो अब चौकीदार की भूमिका में था। ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है? सिर्फ ऐशो आराम से खुशियां नहीं मिलती। मुझे मेरे परिवार की याद आ रही है, मैं अकेले अपना सारा जीवन नहीं बिताना चाहता। वो चौकीदार मुझसे कहीं ज्यादा खुश है, उसके पास परिवार है। काश मैं उससे अपनी जगह बदल सकता। और पलक झपकते ही चौकीदार वापस उसी पेड़ के नीचे आ गए। उसे भी ऐसा ही लगा जैसे उसने कोई सपना देखा। उसे समझ आया कि उसकी छोटी मोटी जिंदगी ही बहुत अच्छी है। तभी आकाश में उसे एक टूटता तारा दिखाई दिया। वाह, टूटता तारा, काश मैं उसे अपने शरीर से निकलकर चांद पर से देख। नहीं 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 नहीं, अरे ये इसने क्या मांग लिया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तभी एक शक्ति ने उसकी आत्मा को खींचा और वो वहाँ से उड़ गया। वो उड़ता गया और उड़ता ही गया और वो जल्दी ही चांद पे पहुँच गया। वहाँ से उसने तारों को देखा। पृथ्वी उसके सामने बहुत बड़े गेंद की तरह थी। वो डर गया। वो सोचने लगा कि शायद वो अब अपने परिवार के पास वापस कभी नहीं जा सकेगा। उधर धरती पर पड़े उसके शरीर को मेयर ने देखा।
तो वो उसे अस्पताल ले गए। अस्पताल में किसी भी डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि उसे हुआ क्या है। अरे कुछ ही देर पहले तो ये हष्ट पुष्ट था, अचानक इसे क्या हो गया डॉक्टर साहब? हाँ मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ परीक्षण करके देखने होंगे। अरे नर्स, तुमने मरीज के जूते भी नहीं निकाले हैं? इसके जूते निकालो। जी। नर्स चौकीदार के जूते निकालने लगी, लेकिन उसके जूते निकल ही नहीं रहे थे। मेयर ने उसके साथ उसकी मदद करी और किसी तरह वो जूते उसके पैरों से निकले। जैसे ही वो जूते निकले, चौकीदार की आत्मा चांद पर से वापस उसके शरीर में आ गई। चौकीदार को होश आ गया। अरे अरे मैंने बहुत बुरा सपना देखा, मैं धरती पर हूँ, मैं वापस आ गया। मुझे मेरे परिवार के पास जाना है। जल्दी ही वो वहाँ से भाग गया। उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि वो एक अस्पताल में है। उसे स्वस्थ देखकर सबने राहत की सांस ली। मेयर वहाँ से जाने लगे तो नर्स ने उन्हें चौकीदार के जूते दे दिए। वो जूते लेकर मेयर वहाँ से निकल गए। जूतों में बसी परियां अब तक खुद भी परेशान हो चुकी थी। हम किसी और को मुसीबत में नहीं डाल सकते सोनाली, हमें कुछ करना ही होगा। हमारी वजह से उस बैरी और चौकीदार को बहुत परेशानी हुई है। मैं समझती हूँ मोनाली, लेकिन हम अभी कुछ नहीं कर सकते। हम जब तक अकेले नहीं होंगे हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। मेयर को रास्ते में एक बच्चा दिखाई दिया। वो अकेला सड़क के किनारे बैठा हुआ था। मेयर उस बच्चे के पास गए। वो ठंड से ठिठुर रहा था। अरे बच्चे, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? तुम्हें ठंड लग रही होगी। इससे आपको क्या, मैं अकेला ही हूँ। ओह, मुझे माफ करना, ठंड बहुत है। तुम्हारे पास गर्म कपड़े भी नहीं है, मेरे पास ये जूते हैं, तुम चाहो तो इन्हें पहन सकते हो। ओह नहीं 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 नहीं, ये जूते उसे मत दीजिए। लेकिन उनकी बात कोई सुन नहीं सकता था। मैं चाहूँ तो जानते हैं मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक घर हो, कोई मेरी देखभाल करने वाला हो। आपको देखकर लगता है कि आप बहुत अमीर हैं और हंसी खुशी अपने परिवार में रहते हैं। हाँ मैं बहुत अमीर हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह मैं भी अकेला हूँ, मेरा परिवार नहीं है। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, तुम्हें अपने बेटे की तरह पालूंगा, मेरा घर भी तुम्हारी बदमाशियों से खुशहाल हो जाएगा। क्या सच में आप मुझे अपनाएंगे? हाँ हाँ हाँ, बहुत खुशी से। चलो चलो, ये जूते मैं यहीं छोड़ देता हूँ, वैसे भी तुम्हारे पैरों के लिए ये बहुत बड़े हैं। मैं तुम्हें नए जूते और ढेर सारे कपड़े दिलाऊंगा। चलो 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 चलो। मेयर और बच्चा खुशी खुशी घर चले गए। उन्होंने वो जूते वहीं छोड़ दिए। यही मौका था सोनाली और मोनाली के पास। आसपास कोई नहीं था और तुरंत वो दोनों अपना रूप बदलकर वापस परी बन गए। चलो, हमारी वजह से किसी का तो अच्छा हुआ मोनाली। हाँ, लेकिन जब हमने एक इंसान को चांद पर भेज दिया तब। सच है, मुझे कुछ भी करने से पहले और सोचना चाहिए। और मुझे एक बात और समझ में आ गई आज, इंसानों को खुश रहने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं है। सही कहती हो, उन्हें जरूरत तो बस एक दूसरे की है। चलो अब हम भी वापस अपने परीलोक में चलते हैं। चलो। कुछ वक्त पहले की बात है, एक गांव में बंसी नाम का दूध वाला रहता था। बंसी के पास गाय और भैंस थी जिसका दूध निकाल कर वो बेचता था और उसी आमदनी से अपना घर बार चलाता था। गांव में बंसी का बहुत नाम था क्योंकि वो ईमानदारी से अपना दूध बेचता था। वो अपने दूध में बाकी दूध वालों की तरह मिलावट नहीं करता था। बंसी काफी उदार दिल का था और अपनी गाय और भैंस का बड़ा ख्याल रखता था। बंसी अकेला था तो उसे ज्यादा आमदनी नहीं चाहिए होती थी अपने जीवन निर्वाह के लिए। तो बंसी हर रोज अपनी कुछ आमदनी बचा के अपनी पुरानी पुश्तैनी पेटी में रखता था ताकि जरूरत के समय वो आमदनी उसके काम आ सके। ऐसा ही काफी दिनों तक चलता रहा। बंसी ने अपने भविष्य के लिए अच्छी आमदनी जमा कर ली थी। अरे वाह, मालिक की मेहरबानी से मेरे पास तो बहुत अच्छी आमदनी बची हुई है। थोड़ी आमदनी मैं और जोड़कर अपने लिए एक घर ले लूंगा, अच्छा सा,
और मेरी इन गाय और भैंसों के लिए अच्छी सी गौशाला भी बनवा लूंगा। चलो अब रात हो गई है, चलकर सोना चाहिए। अपनी कमाई हुई आमदनी पेटी में पुरानी आमदनी के साथ रखकर बंसी सोने चला गया और उस रात एक चोर उसके घर आया और उसकी पेटी में से बचाई हुई आमदनी लेकर चला गया। जब सुबह बंसी उठा तो उसने देखा कि उसकी पेटी खुली पड़ी है। जब नजदीक जाकर उसने देखा तो उसे पता चला कि उसकी आमदनी कोई चुरा कर भाग गया है। बंसी के तो होश ही उड़ गए थे और वो रोने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। उसने सालों की मेहनत करके जो आमदनी इकट्ठा की थी वो कोई एक रात में चुरा कर ले गया। वो घर उदास बैठा ही था कि उसके वहां उसका मित्र रामू आया जो बंसी से दूध खरीदता था। अरे आज तो सुबह आया नहीं, हाँ मैं तेरी राह देख रहा था, आया क्यों नहीं आज? तबीयत तो ठीक है तेरी? रामू आज मेरे पास दूध नहीं है, आज तुम कहीं और से दूध की व्यवस्था कर लो। अरे 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 क्या हुआ बताओ, इतने उदास क्यों हो, क्या बात हुई? मैंने इतने साल कड़ी मेहनत करके जो आमदनी इकट्ठा की थी वो कोई एक रात में चुरा कर भाग गया। क्या मतलब हुआ मेरी इतने साल की मेहनत करने का? अरे अरे भैया, अरे भैया चुप हो जाओ, इस वजह से क्या तुम दूध बेचना बंद कर दोगे? हाँ ये तो कोई बात नहीं हुई, तुम ऐसा करो राजा अकबर से मिलो जाकर, वो चोर को जरूर ढूंढ देंगे और तुम्हारी मदद भी करेंगे। एक दूध वाले की मदद करने के लिए राजा अपना कीमती समय क्यों देंगे? बंसी उन्होंने एक न्यायालय का निर्माण किया हुआ है जहाँ छोटे मोटे विवादों का समाधान किया जाता है, मुझे यकीन है कि तुम्हें वहाँ न्याय जरूर मिलेगा। हाँ, सच कह रहे हो? हाँ ठीक है मैं जाता हूँ। बंसी के मुख में हल्की सी मुस्कान आ गई। उसी दिन जाकर बंसी राजा अकबर से मिला। अपना परिचय दीजिए। मैं आपके ही राज्य में रहने वाला एक छोटा सा दूध वाला हूँ। ऐसा क्या हो गया है कि एक दूध वाले को हमारे न्यायालय की सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी? सरकार मैं बड़ी उम्मीदों के साथ आपसे मिलने आया हूँ। वो सब तो ठीक है, आप हमें अपनी समस्याएं बताएं ताकि हम उसका निवारण कर सकें। जहाँ पना, मैं कई सालों से दूध का व्यापार करता आ रहा हूँ। मेरे पास एक गाय है और एक भैंस है, उनके दूध को बेचकर मैं अच्छे से अपने जीवन का निर्वाह कर रहा था। पर तभी कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ कि मेरी हिम्मत टूट गई। मैंने अपने भविष्य के लिए कुछ पूंजी जमा कर रखी थी। ये बात हमें आपकी अच्छी लगी कि हर एक इंसान को अपने जीवन में निर्वाह के साथ अपने भविष्य का भी ख्याल रखना चाहिए। आगे बढ़िए। जनाब मैं अपनी पुश्तैनी पेटी में आमदनी जमा करता था। कुछ समय में मुझे अपने लिए एक अच्छा घर और अपनी गाय भैंसों के लिए अच्छी सी गौशाला लेनी थी, पर कल रात कोई आदमी चोरी करके वो सब कुछ ले गया। आपको कब पता चला कि आपकी आमदनी चोरी हो गई है? हुजूर मैं सुबह जैसे ही गाय और भैंस का दूध निकालने के लिए उठा, मैंने देखा कि मेरे घर का दरवाजा खुला हुआ है। मैं घबरा गया और भागते हुए मैंने सबसे पहले अपनी पेटी को देखा। मैंने देखा कि पेटी का ताला टूटा हुआ है और अंदर मेरी सारी जमा की हुई पूंजी गायब है। ये तो भाई परेशानी वाली बात है। क्या तुमने कभी किसी से अपनी जमा पूंजी का जिक्र किया था? नहीं जनाब, मैंने कभी किसी से जिक्र नहीं किया था। किसी को मेरी पेटी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बीरबल जी, हम चाहते हैं कि आप इस समस्या का हल निकालें, हमारे राज्य के दूध वालों की मदद करें। जैसी आज्ञा जहांपनाह। हाँ तो भाई क्या नाम बताया आपने अपना? जी मेरा जनाब मेरा नाम बंसी है। तो भाई बंसी, तो आपको किस पे शक है? किसी पे नहीं है। बंसी जी आप अपने चौकीदार और आसपास के रहने वाले सब लोगों को दरबार में कल हाजिर कीजिए, ठीक है? जैसा आप कहें जनाब। दूसरे दिन बंसी ने अपने आसपास में रहने वाले कुछ लोगों को बुलाया और चौकीदार और उसके घर में काम करने वाले कुछ और लोगों को भी उसने दरबार में पेश किया। बीरबल जी हुजूर, तो अब क्या कहना है आपको? क्या आपने चोर को पकड़ लिया है? क्या आपको पता है इनमें से कौन चोर है? नहीं जा पाना, पर मेरे पास एक तरकीब है। मेरे पास कुछ जादुई लकड़ियां हैं, मैं ये लकड़ियां इन सबको दूंगा। जादुई लकड़ियां?
ये तो बड़ा दिलचस्प है। तो ये बताओ बीरबल, ये लकड़ियां तुम्हारी मदद कैसे करेंगी चोर को ढूंढने में? जहापना, कल सुबह हम इन सबको लकड़ियों के साथ बुलाएंगे। जिसने भी चोरी की होगी उसकी लकड़ी अपने आप एक इंच बड़ी हो जाएगी, और जिसकी लकड़ी एक इंच बड़ी है बस वही चोर है। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं भी ये जादू देखना चाहता हूँ। कल सुबह आप सब लोग यहाँ पर इस लकड़ी के साथ हाजिर होंगे। जी हुजूर, जी हुजूर, जी हुजूर, जी हुजूर। दूसरे दिन न्यायालय में सब अपने समय से हाजिर हो गए थे। बीरबल ने सबकी लकड़ियां इकट्ठा करना शुरू किया। सबने अपनी लकड़ियां दे दी और विचार कर रहे बीरबल से अकबर ने कहा, हाँ तो बीरबल, कौन है गुनहगार? क्या पता चला आपको इन जादुई लकड़ियों से? जहापना, मैंने चोर को ढूंढ लिया है। ये चौकीदार ही चोर है। नहीं जहापना, मैंने कुछ भी नहीं किया। बीरबल, आप इस नतीजे पर कैसे पहुंचे? जहापना, ये कोई जादुई लकड़ियां नहीं है, ये पेड़ से एक ही माप में काटी हुई साधारण सी लकड़ियां हैं। जब मैंने कल बोला कि जो भी चोर होगा उसकी लकड़ी अपने आप एक इंच बड़ी हो जाएगी, तो ये चौकीदार ने डर कर इस लकड़ी को एक इंच काट दिया, ताकि जब ये एक इंच बड़ी हो जाए तो बाकी लकड़ियों के समान ही रह जाए। बहुत खूब, बहुत खूब भाई, वाह। ऐसे मुद्दे हल करने में तुमसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। हुजूर, इस चोर को पकड़ लिया जाए और इसे कारावास में डाल दिया जाए, और तुम अब बंसी का सारा चुराया हुआ धन वापस कर दो। महाराज की जय हो। और इस तरह बीरबल ने अपनी समझदारी और सूझबूझ से एक और इंसाफ किया।